हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का साइंस का चैप्टर नंबर टू, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारी वीडियो का पार्ट सेकंड है। पार्ट वन में हमने जाना था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भी की थी। जैसे कि एक्टिविटी टू में हमने हमारे खाने में स्टार्च उपस्थित है या नहीं है इसका पता कैसे लगाएं, तो इसके लिए हमने एक फूड आइटम की छोटी सी क्वांटिटी ली थी, उसमें 2-3 बूंदें डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डाली थी, और अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया था इसका मतलब इस फूड आइटम में स्टार्च उपस्थित है। इसके साथ साथ हमने इसी तरीके से प्रोटीन का भी पता लगाया था। हमने फूड आइटम लिया, उसके ऊपर स्मॉल क्वांटिटी ली और उसको चूरा या फिर उसका पेस्ट बना लिया। उसके बाद 10 ड्रॉप उस पर वाटर के डाले थे, और फिर एक ड्रॉपर का यूज़ करके 2 बूंदें हमने डाली थी कॉपर सल्फेट की और 10 बूंदें हमने डाली थी कास्टिक सोडा की, और फिर इसे हमने अच्छे से मिला लिया था। और इसके बाद अगर पदार्थ का रंग वायलेट हो गया था इसका मतलब इस फूड आइटम में जो हमने लिया है उसमें प्रोटीन उपस्थित है। और इसके साथ साथ हमने इसी तरह फैट का भी पता लगाया था। ठीक है, तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2.2, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। जो फैट होता है वो भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर्ड टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और बल्कि फैट कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें ज़्यादा एनर्जी देता है। फूड्स कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड फैट और कार्बोहाइड्रेट से रिच होते हैं उन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। ये फिगर 2.3 और 2.4 में दिखाया गया है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और उसकी वृद्धि के लिए मतलब ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जिन फूड्स में प्रोटीन होता है उन फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। जैसे कि फिगर 2.5 ये देखिए, इसमें मीट है, फिश है, पनीर है, एग्स है और मिल्क है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। जो विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्थी। और विटामिन बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारी आइज को, बोन्स को और टीथ को, गम्स को हेल्थी रखने में हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। जो विटामिन होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं और इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। कुछ हैं विटामिन ए, सी, डी, ई और के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसी तरह के एक ग्रुप होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को सभी तरह के विटामिन चाहिए होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। हमारी जो विटामिन ई है वो हमारी स्किन और आई को, जो मतलब आँखें हैं उन्हें हेल्थी रखने में हमारी हेल्प करता है। और विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। ये जो विटामिन सी होता है वो हमारी बॉडी को बहुत सारे डिसीज से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम एंड कैल्शियम फॉर बोन्स टीथ। मतलब जो विटामिन डी होता है वो खाने से विटामिन लेने के लिए हमारी हेल्प करता है और इसमें कैल्शियम देता है बोन्स और टीथ को। फूड्स डेट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 एंड फिगर 2.9। जिन फूड्स में अलग अलग विटामिन होते हैं यहाँ पर दर्शाए गए हैं फिगर 2.6 में और फिगर 2.9 में। ये देखिए, ये एग है, फिश है, लीवर है, मिल्क, बटर और यहाँ पर वेजिटेबल्स दे रखे हैं। विटामिन सी के सोर्सेज हैं ये
और ये विटामिन बी के सोर्स और ये विटामिन ए के सोर्स। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। जो मिनरल्स होते हैं ये भी हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, एसेंशियल होते हैं हमारी बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ और हमारी बॉडी की गुड हेल्थ के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। कुछ सोर्स मिनरल्स के फिगर 2.10 में दिखाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम और आयरन के सोर्स हैं, ये फॉस्फोरस के सोर्स हैं और ये आयोडीन के सोर्सेज हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। जो फूड आइटम होते हैं ज़्यादातर फूड आइटम में एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट मे बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स। जब आप टेबल 2.2 के ऑब्जर्वेशन फिल कर रहे थे, जब आपने भी ये देखा होगा कि किसी फूड आइटम में या तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट है या फिर किसी दूसरे फूड आइटम में उसके मुकाबले कम न्यूट्रिएंट है। फॉर एग्जांपल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अगर हम एग्जांपल के लिए लें तो जो चावल होते हैं उनमें अदर न्यूट्रिएंट के अलावा बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। थस वी से दैट राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसीलिए हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड भी कहते हैं। बेसिक दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होते हैं और पानी भी चाहिए होता है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नॉन एज रफेज। ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं इसे हम रफेज भी बोलते हैं, ये रफेज के नाम से भी जाना जाता है। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। ये जो रफेज होता है ये ज़्यादातर हमारे जो फूड है वो प्लांट प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। प्लांट प्रोडक्ट से हमें अपने फूड में ये मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस पोटैटोज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ये जो सारे ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, पोटैटोज हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, ये हमारे रफेज के मेन सोर्सेज हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। ये जो रफेज होता है ये हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रदान नहीं करता, बट इज एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। ये फिर भी हमारा जो रफेज है ये हमारी बॉडी के लिए एक महत्वपूर्ण कॉम्पोनेंट है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बाहर निकालने में। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये जो पानी होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। जो हम फूड खाते हैं उनमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। ये इसके साथ साथ हमारी बॉडी को जो अपचन खाना होता है या फिर कोई दूसरा वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी में से बाहर निकालने के लिए हमारी हेल्प करता है, जैसे कि यूरिन है और स्वेट है। इसे हमारे बॉडी में से वाटर बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर डेट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक सच एज वाटर मिल्क एंड टी। हमारी बॉडी को जिस मात्रा में पानी चाहिए होता है उसकी कुछ मात्रा में हमें पानी वाटर मिल्क और टी इन सब चीज़ों को पीकर ही मिल जाता है। इन एडिशन वी एड वाटर द मोस्ट कुक्ड फूड्स। इसके अलावा हम पानी को खाना पकाने में भी अपने यूज़ करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। इसके अलावा ये देखते हैं क्या कोई दूसरा सोर्स है जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड्स करता है। तो चलिए अब हम एक्टिविटी 3 पर चलते हैं। टेक अ टमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। एक टमेटो लीजिए या फिर लेमन को लीजिए। कट इट इन टू स्मॉल पीसेस। अब इन दोनों में से आपने जो भी चीज़ ली है इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। डू योर हैंड्स गेट
वेट वाइल डूइंग सो। ऐसा करते समय क्या आपके हाथ गीले हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे हाथ जब हम इन दोनों में से किसी चीज को काट रहे होते हैं तो हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट पेल्ड ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। जब आपके घर में कोई फ्रूट या फिर वेजिटेबल पील हो रहा होता है, कट हो रहा होता है, ग्रेटेड हो रहा होता है या फिर मैश्ड हो रहा होता है तो उसे अच्छे से देखिए। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? क्या आप किसी ऐसे फ्रूट या फिर वेजिटेबल को देखते हैं जिसमें थोड़ा सा भी पानी ना हो, थोड़े से भी अमाउंट वाटर की ना हो? तो ऐसा नहीं है, हर एक वेजिटेबल और फ्रूट में वाटर कंटेन होता है। वी सी डैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। हमने देखा कि जो फूड होते हैं उनमें थोड़ा सा, भले ही थोड़ा पानी हो पर उनमें पानी होता ज़रूर है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। हाँ, तो कुछ हमारे बॉडी की पानी की मात्रा जो हमें चाहिए होती है इसी तरीके से फिल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। इसके अलावा हम जब खाना बना रहे होते हैं तो हम पानी को लेते हैं और जो फूड आप बना रहे हैं उसमें डालते हैं। तो अब चलिए बैलेंस्ड डाइट पर चलते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट। जो खाना हम पूरे दिन में खाते हैं इसे हम क्या कहते हैं? डाइट, मतलब आहार। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। अगर हमें अच्छी ग्रोथ चाहिए और हमारी बॉडी की गुड हेल्थ चाहिए हमें, तो जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमारे डाइट में होने ज़रूरी होते हैं एक सही क्वांटिटी में। नो टू मच ऑफ वन एंड नो नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना ही किसी न्यूट्रिएंट की ज़्यादा मात्रा और ना ही किसी न्यूट्रिएंट की कम मात्रा। द डाइट शुड ऑल्सो कॉन्टेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। हमारा जो खाना है, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें रफेज और वाटर की भी सही मात्रा होनी ज़रूरी है। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। तो यही सब जो अभी आपने पढ़ा इसलिए हम बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। ये जो हाईलाइट कर रखा है हमने ये एक डेफिनेशन है बैलेंस डाइट की। चलिए आगे देखते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ फूड? क्या आप ये समझते हैं कि सभी एजेस के पीपल्स को एक ही तरह का खाना चाहिए होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस्ड डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? क्या आप ये भी सोचते हैं कि जो फिजिकल वर्क हम करते हैं, ये काम वगैरह जो हम करते हैं, यही हमारे बैलेंस डाइट पर निर्भर है? क्या अब हमारी बैलेंस्ड डाइट इसी फिजिकल वर्क पर निर्भर है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आप एक चार्ट बनाइए और उसमें लिख दीजिए जो जो आप आपने पूरे वीक में खाया। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बींग ईटन विद इन अ डे और सो। अब जब आपके ये जो पूरी लिस्ट है वीक की वो तैयार हो जाए फिर उसमें चेक कीजिए जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए एक या एक फूड से दूसरे फूड में जो आपने खाए हैं उसमें उपलब्ध है या फिर नहीं है। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स, साउथ इंडियन फूड्स सच एज इडली, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरीज एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनच, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। ये जो भी सारे हमने नाम पढ़े इन सभी फूड आइटम से हमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। देयर फोर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो अगर हम ये सब भी खाएं तो हमें हमारा प्रॉपर डाइट में मिल सकता है बिना किसी एक्सपेंसिव फूड खाए। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ। एक सही मात्रा में फूड खाना हमारी बॉडी के लिए इतना मतलब सिर्फ काफ़ी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो डैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट।
अगर हमारा खाना अच्छी तरीके से नहीं पका है तो हमारा जो फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो सकते हैं। आर यू अवेयर डैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपेरेशन? क्या आप ये जानते हैं कि जब हम खाना पका रहे होते हैं तो इसी प्रोसेस में हमारे फूड के कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग ऑफ देम, इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। अगर आप कोई फ्रूट या फिर वेजिटेबल को छीनने या फिर काटने के बाद धोते हैं तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि हम बहुत से विटामिन्स को लूज कर दें, खो दें। सम स्किन्स ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट की स्किन में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अगर हम देखें तो अगर हम चावलों को बार बार धोते हैं तो उसकी स्किन पर जो विटामिन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। वी ऑल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम ये जानते हैं कि कुकिंग से हमारे फूड का टेस्ट और बढ़ जाता है और हमें इसे डाइजेस्ट करने में बहुत आसान लगता है और ये हमारा जो फूड है वो अच्छे तरीके से और जल्दी भी डाइजेस्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम देखें तो कुकिंग से भी हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो सकते हैं, हम इन्हें खो सकते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसाइडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देम थ्रो अवे। जब हम कोई खाना बनाते हैं और उसमें पानी की ज़्यादा मात्रा कर देते हैं और उसे बाद में फेंक देते हैं तो इससे हमारा जो फूड में प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं उनका भी हमें बहुत सारा लॉस हो सकता है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। ये जो विटामिन सी होता है वो खाना पकाते समय हमारे खाने में इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? क्या ये सही नहीं होगा कि हम अपनी डाइट में कच्चे वेजिटेबल्स जैसे कि टमाटर हो गया, खीरे हो गए, इन्हें भी शामिल करें और कुछ फ्रूट्स भी शामिल करें? वुड यू थॉट डैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड्स टू ईट ऑल द टाइम? बुजू ने सोचा कि जो फैट है सिर्फ यही ऑल टाइम खाने के लिए अच्छा होगा हमारी हेल्थ के लिए। अ कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। उसने सोचा कि एक कटोरी फैट ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा एनर्जी देगा हमें एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के मुकाबले। इजेंट इट? क्या ऐसा नहीं है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई रबड़ी एंड पेड़ा। तो उसने और कुछ खाना तो नहीं खाया, पर जो फूड थे उन जिनमें फैट था वो उसने बहुत खाया, जैसे कि फ्राइड फूड, तले हुए चीज़ें जैसे कि समोसा, पूरी, मलाई रबड़ी और पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं कि वो सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। नो ऑफ कॉज नॉट, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। नहीं, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम ज़्यादा फैट रिच फूड खा लेते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे हमें ओबेसिटी मतलब अपचन हो सकता है, हमारा जो खाना है वो नहीं पचेगा इससे। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। 2.4 से डिफिशियंसी डिसीज मतलब अभावजनीय रोग। अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। एक व्यक्ति है जो अपनी डाइट में एकदम प्रॉपरली न्यूट्रिएंट ले रहा है पर कुछ समय के लिए उसकी डाइट में से कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता उसके पास अवेलेबल। इफ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। अगर ये ऐसा ही चलता रहा, जो न्यूट्रिएंट है वो एक लंबे समय तक उसकी डाइट से दूर रहा, तो उसे डिफिशियंसी से सफ़र करना पड़ेगा, उसे एक
डिफिशियंसी हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज ऑफ ऑल डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। किसी एक फूड आइटम का या फिर किसी एक न्यूट्रिएंट का हमारे खाने में लंबे समय तक डूब रहना, इससे हमारे बॉडी को बहुत नुकसान हो सकता है। इससे हमें डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब अभाव हो सकता है। डिसीज डेट ऑक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज। ये जो डिफिशियंसी डिसीज होती है, ये हमें हमारे फूड आइटम्स में या फिर न्यूट्रिएंट में लंबे समय तक ना होने के कारण हमारी जो डाइट है उससे हो सकती है। डिफिशियंसी डिसीज मतलब अभावजनीय रोग। अभावजनीय रोग जैसे कि कोई अचानक बीमारी हो जाती है हमें किसी फूड आइटम का, लंबे समय तक हमारी डाइट से दूर रहना, इसे हम डिफिशियंसी डिसीज कहते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ। अगर कोई व्यक्ति है जो अपने फूड अपनी बैलेंस्ड डाइट में ये न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है या फिर किसी कारणवश उसके फूड आइटम उपस्थित नहीं है न्यूट्रिएंट, तो उसे एक बीमारी हो सकती है, उसे एक सफ़र करना पड़ता है डिफिशियंसी डिसीज से, जिसमें उसकी जो वृद्धि ग्रोथ है वो रुक जाती है। स्वेलिंग ऑफ फेस मतलब उसके फेस पर सूजन हो जाती है। डिसकलरेशन ऑफ हेयर उसके बालों का रंग उड़ सकता है। स्किन डिसीज एंड डायरिया और इसके अलावा उसको स्किन डिसीज भी हो सकते हैं जैसे कि खुजली या फिर एलर्जी, और उसे डायरिया भी हो सकता है। इफ द डाइट इज डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट से एक लंबे समय तक दूर रहें तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, हमारी जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक डैट ही शी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव। अगर ऐसा हुआ तो एक जो पर्सन है वो बहुत अपने आप को वीक फील करेगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा और उसमें मूव करने तक की ताकत भी नहीं रहेगी। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज ऑफ और डिसऑर्डर्स। हमारे डाइट में से कोई विटामिन या फिर मिनरल अगर लंबे समय तक दूर रहे तो इसका नतीजा हो सकता है कि हमें विभिन्न विभिन्न बीमारियाँ हो जाएँ और डिसऑर्डर हो जाए। सम ऑफ दीज आर मैंशनड इन टेबल 2.3। इनके कॉज क्या होते हैं विटामिन और मिनरल्स के दूर रहने से, ये हमें टेबल 2.3 में बताया गया है। ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टॉकिंग अ टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। अगर हमें डिफिशियंसी डिसीज को रोकना है तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी होगी जिससे कि हमें डिफिशियंसी डिसीज ना हो। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न व्हाई वाइडली वेयरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि बहुत सारे रीजन्स क्षेत्रों के अलग अलग खाना होने के बावजूद भी इनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो सेम ही हैं, इनमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड एंश्योर डैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। हमें इस बात का भी बहुत ध्यान रखना होगा कि हमारी जो बैलेंस्ड डाइट है उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हों जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड हैं और जो हमारी बॉडी को हमें चाहिए। ये एक बार टेबल 2.3 देखते हैं। सम डिसीज डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनसे होने वाली बीमारियाँ और सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं इनके लक्षण। विटामिन ए की कमी से हमारे लूज ऑफ विजन हो सकता है, हमें दिखना कम हो सकता है और लूज ऑफ विजन इन डार्कनेस लाइट नाइट समटाइम्स कंप्लीट लूज ऑफ विजन। कभी कभी रात के अंधेरे में दिखना बंद हो सकता है और कभी कभी तो पूरा ही हमें दिखना बंद हो सकता है, दिन में भी और रात में भी। विटामिन बी वन की कमी से हमें वेरी वेरी रोग हो सकता है। वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, इसमें इसके हमें साइम्टम दिखते हैं कि वीक मसल्स हो जाती हैं हमें और काम करने के लिए हमें बहुत थोड़ी एनर्जी, मतलब काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। विटामिन सी इसके हमें स्कर्वी हो जाता है, इसके बिना अगर हम अपनी बैलेंस डाइट लेते हैं तो इससे हमें स्कर्वी हो जाता है। ब्लीडिंग गम्स वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, ये जो ब्लीडिंग गम्स मतलब हमारे मसूड़ों में से खून निकलने लगता है
और हमारी जो मान लीजिए अगर हमें चोट लगती है तो इससे हमें हील करने में बहुत टाइम लगता है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो सकता है। रिकेट्स मतलब बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। ये जो विटामिन डी की कमी से हमारी जो बोन्स हैं वो एकदम सॉफ्ट हो सकती हैं और बेंड हो सकती हैं, लचीली हो सकती हैं। कैल्शियम की कमी से हमारे बोन एंड टीथ डिके, बोन एंड टीथ डिके मतलब, हाँ तो बोन एंड टूथ डिके मतलब हमारी जो बोन्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं और जो हमारे टूथ होते हैं, दांत होते हैं, वो गलने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं या फिर उनमें कीड़े लग जाते हैं। वीक बोन्स एंड टूथ डिके, हमें इनका असर दिखने लग जाता है, इसके साइम्टम्स दिखने लग जाते हैं। आयोडीन की कमी से हमें गोइटर हो सकता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर्स स्वॉलन, हमारी नेक में बहुत सूजन आ सकती है और हमें दर्द होने लग जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, थोड़ा बुद्धि कम होना, इससे चिल्ड्रंस में इसके साइम्टम्स दिखाई देते हैं, बुद्धि कम होना। आयरन एनीमिया, आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो सकता है, इससे हमें बहुत वीकनेस हो जाती है। तो आज का ये हमारा चैप्टर सेकेंड यही खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।